ना बिगाड़े। और दोस्तों ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये बहुत शानदार नुस्खा है दोस्तों। लड़ैया वाले लोग ये बताते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शानदार ताकतवर नुस्खा है। आमद भी रहेगी, ताकत भी रहेगी, कबूतर जल्दी आएगा निकल के और कबूतर रुकेगा नहीं, जब रुकेगा नहीं तो पिटेगा नहीं। दोस्तों 50 कबूतरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों तो आपको एक मैंने चिकनाव बताया था बहुत ही शानदार, जो कि ये मैंने कल वीडियो डाली है, पिछली वीडियो आप जाके देखिए उसको। और उसके लिए एक पानी बताया था मैंने। और दोस्तों लड़ैया वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप पे प्लीज़ सब्र करो भाई, बनाते बनाते तो वीडियो बनाऊँगा एकदम। आप लोग तो एकदम बस पानी डालो, पानी बता दो तो दोस्तों चैनल पे ही वीडियो आएगी। और बताया भी है मैंने लोगों को, लेकिन बहुत शानदार वीडियो है तो वीडियो को देख ले आप। और ये पानी भी ऐसा बताऊँगा दोस्तों, आप चिकनाओं और पानी यूज़ करें दोनों चीज़ें, फिर मुझे बताएं रिजल्ट क्या है। पहले आप चिकनाव लगा लें, फिर ये पानी लगाएं, बहुत शानदार पानी है दोस्तों। कुछ झल है इसमें और कुछ ताकत है, और चिकनाव में तो ताकत ही ताकत है। तो दोस्तों ये सब कॉम्बिनेशन होता है जिसको बनाया जाता है मिलके, तभी आपका कबूतर आमद करेगा, और आमद बहुत शानदार करेगा। कबूतर सबसे बड़ी बात है, आपका कबूतर कहीं सैदी का टिकेगा नहीं, और जो सैदी का लग के आ गया तो वो गिरेगा गिरेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आमद अच्छी होगी तभी आप कबूतर पकड़ पाओगे। अगर आमद नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, कबूतर आकर अगर गूंज रहा है तो दोस्तों आपका कबूतर गिरधान भी गिरेगा, गारंटी दे रहा हूँ गिरेगा, अगर वो दाने पे नहीं है, क्योंकि वो मस्ती में बैठ सकता है सैदी क्या। और दोस्तों जैसे कि मैंने चिकनाव डाला था, तो अभी दोस्तों मैं कबूतर आगे नहीं भेज रहा हूँ, हालांकि कबूतर आप देख लीजिएगा, खुद रिजल्ट देख लीजिएगा, कबूतर सिर्फ ताबों में था, ताबों में से ऊँचा हुआ, ऊँचा होकर उन्हें हवा पकड़ी और गायब हो गया कबूतर दोस्तों। और आमद जब कबूतर आया है लौट के, तो आप ये भी देख लीजिए कैसे आ रहा है, सीटी के बाद तो पहुंच नहीं रही दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी सीटी बजा रहा हूँ मिला बजे में। थोड़ा दिल को दोस्तों सहारा मिलता रहता है सीटी से। बहुत शानदार गया दोस्तों कबूतर, मैं 1 घंटे से उड़ा रहा हूँ, 1:30 बजे खोले थे, 2:40 हो रहा है, और ये ताबों में कबूतर निकल गया, आगे ताबों में निकल गया। अब ये कबूतर आ रहा है आपके भाई का, ये देखिए आप दोस्तों, मैं इसको दौड़ना नहीं कहता हूँ, ये इंशाल्लाह कबूतर 10 मिनट के लिए बड़े बोलते तो गायब कर दूंगा। ये ताबों में दोस्तों गया है। आओ आ बेटे, आओ, ये ताबों में गायब हो गया था दोस्तों। और आ बेटा, चुस्की रखा हुई आप देख लीजिए, आ बेटा, आ आ, आ ये चुस्की ये रखिए, ये पी रहे हैं चुस्की, ये वही चुस्की है दोस्तों, वही पानी है जो आपको बताया था दोस्तों। दरअसल ये कबूतर का हम पहले रियाज बनाते हैं, ये मेरे सभी जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरे मानने वाले हैं, इस्तेमाल करें मेरा तरीका, वो इस्तेमाल करें मेरे भाई, कि पहले आप लोग ठंडा करते रहें कबूतर को, और उसका रियाज दम बनाते रहें, सास दम बनाते रहें। क्योंकि दोस्तों देखिए, रियाज दम मैं क्यों कह रहा हूँ, कि अभी कबूतर आगे नहीं भेजूंगा। दरअसल दोस्तों जब दूसरे इलाके में कबूतर जाता है ना, तो आपका गिरधान कबूतर भी कबूतर गिर जाता है, वो वहाँ के लिए नया होता है, क्योंकि उसने जगह नहीं देखी होती। और दोस्तों मैंने अपने पुराने कबूतर ना रोक दिए, तकरीबन 20-21 कबूतर रोक दिए जो पर गिरा रहे थे, और उम्मीद तो ये 68 कबूतर हैं, ये 68 इंशाल्लाह ये शौक आपको दिखवाएंगे। और ठंडा पानी लगा दिया तो झाड़ लोग देता है दोस्तों कबूतर, तो आप देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी जानबूझ के नहीं इसको भेज रहा हूँ, हकाल नहीं रहा हूँ, और उसके बाद भी दोस्तों ये ताबों में उठ के भाग गया, और आप देखिए किस तरीके से गया और किस तरीके से आया है। आपको इसका आना जो वापसी है वो बहुत पसंद आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर एक पानी लगाऊंगा इंशाल्लाह, और आपसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 4 या 5 दिन में आपको वीडियो डालूंगा, ये कबूतर गायब हो जाएगा, नापैद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों, मैं रियाज दम बनाता हूँ पहले कबूतरों का, उसको कसता हूँ 15-20 मिनट की हवा, और दोस्तों कबूतर उड़ता है। और इधर इलाके में दोस्तों किसी का कबूतर इस टाइम नहीं उड़ रहा है 1:30 बजे करीब, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी मैं उड़ा के बैठा हूँ कबूतर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी रियाज बना लें, सात दम बना लें, फिर उसके बाद कबूतर भेजें, क्योंकि दोस्तों जब रियाज दम बना होगा और आपका कबूतर किसी ने आगे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे उलझा दिया, तो दोस्तों आपका कबूतर आ जाएगा इंशाल्लाह, वरना आपका कबूतर नहीं आएगा। तो मैं आपको वही एडवाइस देता हूँ जिससे आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो चलते हैं पानी की तरफ, लड़ैया का पानी है, बहुत शानदार पानी है, और फिर वही कहूँगा कि शायद ही यूट्यूब पर नहीं डाला होगा अब तक, जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, आपको यही मेवा का पानी है, ये मेवा का, इसमें मेवा लगाना है आपको, कैसे लगाना है, कितनी मिकदार में लगाना है, ये आप देखिए, बड़ा शानदार पानी है दोस्तों। और मैं ये पानी यूज़ करता हूँ,
और मैंने बहुत कबूतर मारे दोस्तों शहदियों के। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार लड़ैया का पानी बताने जा रहा हूँ जो अब तक की यूट्यूब की वीडियो में कहीं पे भी नहीं पड़ा होगा। और दोस्तों ये चीज़ याद रखिए कि 2 दिन आप चिकनाव लगाएंगे और 2 दिन ही पानी लगाएंगे, और अगर किसी कबूतर कमज़ोर है तो वो 3 दिन चिकनाव लगाएगा और 2 दिन पानी लगाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ 2 दिन ही पानी लगाएं। और बहुत शानदार है दोस्तों, और मैं बिल्कुल तरतीब से बताऊंगा आपको, बिल्कुल सीरियल वाइज बताऊंगा जो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग फिर भी कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों सुन लीजिए आप, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 1 लीटर पानी 50 कबूतर जो पीते हैं तो उसको आपको 1.5 लीटर रखना है रात में। दोस्तों रात में रखना है आपको 1.5 लीटर। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या करना है, ये है गुलाब के फूल। देखिए दोस्तों लड़ैया जो लोग भाई कर रहे हैं, मैंने चिकनाव तो बता दिया, अब वो कहेंगे कि मुंह खोल रहा है कबूतर। तो दोस्तों हर चीज़ देख के चलना पड़ती है और हर चीज़ तरीके से होती। तो आपको ये देखिए, मेरा हाथ देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये मुट्ठी नहीं दोस्तों, ये इतने इतने आपको गुलाब के खुश गुलाब के पत्ती ले लेना है, ये फूल हैं, और आपको ये डाल देना है 1.5 लीटर पानी में रात में। ठीक है, अब आप सपोज़ करिए आपने ये डाल दिए 1.5 लीटर पानी में। ठीक है, अब आपको कहना है दूसरी चीज़ इसमें रात में बना के रखना है दोस्तों ये पानी। और ये समझ लीजिए आप लोग जब भी बनाएं तो 12 घंटे पहले ये खाली ये 2 चीज़ें आपको ऐड करना है दोस्तों। ये देखिए सौंफ, ये हो गई सौंफ, ये देखिए सारी चीज़ रखी हुई है खेल पानी की। तो दोस्तों ये सौंफ दोस्तों, आप ये देख लीजिए इतनी सौंफ, ये आपको चम्मच दिख रहा होगा, इतनी सौंफ आपको लेना है और ये आपको 1.5 लीटर पानी में डाल देना है कुंडेली में। ये डल गई दोस्तों कुंडेली में, आपने ये पानी रख दिया, अब आपको कबूतर उड़ाना है दोपहर में। ठीक है, अब आप आए, आपने क्या करा, कबूतर वबूतर उड़ाने के बाद आपने ये पानी छान लिया 1.5 लीटर पानी, ये आपने छान लिया। ठीक, और इसको रख दिया अलग। अब दोस्तों देखिए आपको क्या दूसरी चीज़ है क्या लेना है। दोस्तों एंड में आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बिल्कुल जब आप पानी देंगे कबूतरों को तब डलेगी, बहुत शानदार चीज़ है आमद के लिए दोस्तों। और दोस्तों ये नुस्खा बिल्कुल एक्यूरेट है, बना बनाया है, आप इसमें कुछ भी ना बिगाड़ें। और दोस्तों ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये बहुत शानदार नुस्खा है दोस्तों। लड़ैया वाले लोग ये बताते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शानदार ताकतवर नुस्खा है, आमद भी रहेगी, ताकत भी रहेगी, कबूतर जल्दी आएगा निकल के और कबूतर रुकेगा नहीं, जब रुकेगा नहीं तो पिटेगा नहीं। दोस्तों 50 कबूतरों के लिए आपको 10 बादाम लेना है, सही है, 12 से 14 घंटे भीगे हुए, याद रखिए लड़ैया में 12 से 14 घंटे भीगे हुए बादाम ने आपने ले लिए। दोस्तों आपको लेना है मगज, 4 मगज लेना है दोस्तों, नाम भी बताऊंगा उसके, ये हैं 7 मगज मेरे पास दोस्तों। ठीक है, आप ये ना देखें, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कद्दू गए हैं दोस्तों जो दिख रहा है ना ग्रीन, तो आपको लेना है दोस्तों तरबूज, खरबूज, कद्दू और खीरा, याद रखिएगा दोस्तों तरबूज, खरबूज, कद्दू, खीरा, ये मेरे पास 7 मगज हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिए हैं क्योंकि मेरे पास मिक्स हैं मगज सारे। तो आपने ये 4 मगज ले लिया। और दोस्तों आपको कितने लेना है मैं ये भी बताऊंगा, आपको लेना है 3 ग्राम। ठीक है, आप वेट स्केल ये है रखा हुआ, आप वेट स्केल कर लीजिएगा 3 ग्राम, ये 3 ग्राम इस टाइम रखा हुआ है ये आपके सामने। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बादामों के साथ इसको भिगो देना है। ठीक है, और ये लेना है आपको 5 किशमिश, इसको भी भिगो देना है। दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत थाकड़ पानी है, और अगर ये लगा लिया आपने तो आप खुद ही कहोगे कि 2 इन 1 काम कर रहा है, दौड़ भी रहा है और लड़ भी रहा है। ठीक है, तो दोस्तों दौड़ के जाएगा और जो शानदार जाएगा ना आपका 1-1.5 किलोमीटर तो आप खुद ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने मिला लिए दोस्तों। आपने इसमें एक चीज़ और लेना, मेरे पास मिस है नहीं वो, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, चिरौंजी दोस्तों, आपको 10 पीस चिरौंजी की लेना है, 10 पीस चिरौंजी दोस्तों छोटी सी होती है, मेवा में यूज़ होती है घर में, यहाँ पर आपको रख देना है। और दोस्तों इसकी ना आपने क्या करना है, ये भिगो के एक ही आपको बर्तन में रख देना है। ठीक है, अब दोस्तों सपोज करिए आपने 12 घंटे हो गए, ठीक है, आपने ये भी भिगो दिया था, ठीक, आपने ये भी भिगो दिया था, उसका पानी तैयार है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, आपको ये मिक्सर में डाल के या किसी चीज़ में भी जो आप कर सकते हैं, आप इसमें धोली में डाल के आप इसकी चटनी बना लें, चटनी बना लें दोस्तों। एक मलमल का सूती कपड़ा लें, ठीक है, और आप ये सारा सामान, ठीक है, चिरौंजी मिस है दोस्तों, याद रखिएगा चिरौंजी भी इसमें डलेगी, आप इसकी पोटली बना लें। और दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जब आपने दोस्तों ये चटनी बना के रख ली, पोटली बना ली, ठीक, और आपने ये वाला पानी जो था जो रात में हमने बताया था,
इसको आपने 1 घंटे पहले कबूतर जब आपने उड़ा लिए, और उसके जब आप उड़ाएंगे ना दोस्तों कबूतर, तो उसके 1 घंटे बाद पानी रखिएगा। कभी भी याद रखिए, गर्मियों में 1 घंटे बाद पानी रखा करिए। तो आपने 1 घंटा आपको मिला है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आपने ये पानी छान लिया फटाक सीना। अब आपको 1 घंटा जो मिला है, तो आपने इसकी पोटली जो बनाई है, आप उस पोटली को भिगो देंगे उसमें, कुंडेली में जो आपने छाना है पानी। ये जो आपने 1.5 लीटर पानी छाना है, आप इस मेवा का पानी उसमें कुंडेली में भिगो देंगे, पोटली पोटली को भिगो देंगे दोस्तों। आधे आधे से 1 घंटे बाद आप जब कबूतरों को पानी देंगे, तो दोस्तों आपको पोटली को क्या करना है, पानी में डिप करके जो भीगा हुई है उठाना है और निचोड़ना है, फिर उठाना है फिर निचोड़ना है, फिर उठाना है फिर निचोड़ना है दोस्तों। 3 बार आपको निचोड़ना है वो, और दोस्तों बहुत बारीक पिसा हुआ है, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझिए, बहुत बारीक आप इसको पीसीगा चटनी। और 3 बार इसको जो आपको करना है, फिर हटा देना है पोटली को। पानी आपका ये बन के आला तैयार हो गया। अब दोस्तों जो आपका मेवा बची, वो आप फ्रिज में रख देंगे, ऐसी पोटली बनी हुई, वो आप फिर से प्रोसीजर वही करेंगे, कल फिर आप उसको भिगो देंगे, ठीक। तो आपका ये 2 दिन का पानी हो जाएगा दोस्तों, बहुत शानदार पानी है। और जिसके 100 कबूतर हो दोस्तों, तो वो डबल कर लें क्वान्टिटी। अब दोस्तों क्या करना है, आपने ये 3 बार उसमें डिप करके निचोड़ लिया, सारा अर्क इसका आ गया, किशमिश का भी आ गया, सारी मेवा का आ गया। और आपको बारीक चटनी बनाना है, जब आप बारीक चटनी बनाओगे तो सूती कपड़े में से पूरा अर्क निकल जाएगा, थोड़ा सा गूदा बचेगा दोस्तों, वो कल के दिन यूज हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार दोस्तों ये पानी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक लास्ट चीज़ बची है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है आमद के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब आपको लेना अम्बा हल्दी दोस्तों, जो लड़ैया में लगा रहे हैं अम्बा हल्दी रोज, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों इसके 100 हिस्से मारना है आपको, याद रखिएगा 100 हिस्से। और 5 मिनट पहले आप पानी में ये अम्बा हल्दी डाल दीजिएगा, तो ये थोड़ी सी मुलायम हो जाती है दोस्तों, गर्मी में बहुत हार्ड हो जाती है। और दोस्तों जो रोज़ मार रहे हैं और लड़ा रहे हैं ये अम्बा हल्दी के घिस्से मार रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ 50 बहुत है, ठीक है दोस्तों। ये सीने कुंदे साफ करती है, और बहुत ही रोल होता है इसका, और ये हर रखा हुई है इसका दोस्तों, बहुत रोल होता है इन दोनों का, सीने कुंदे साफ। जब दोस्तों सीने कुंदे साफ होते हैं ना, तो ना ही कबूतर गिरता है, ठीक है, और ना ही कबूतर लगता है कहीं पे, अच्छा उड़ता है, हल्का हो जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 20 घिस्से हड़के लेना है, सबज हड़के, इसको पानी में मत डालना दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज़ है, कबूतर गिर जाता है इससे, याद रखिएगा। ये 20 घिस्से मारना है, और 50 घिस्से इसके मारना है। जो लोग नहीं मार रहे हैं, वो जो अपने कबूतर पे अम्बा हल्दी यूज़ नहीं करते, वो 100 घिस्से मार लें, ठीक है। इसके साथ आपको लेना है दखनी मिर्च, ये हो गई सफ़ेद मिर्च। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था ना, दखनी मिर्च है, ये 5 दखनी मिर्च लेना है आपको, सफ़ेद मिर्च, ये देख लीजिए आप बढ़िया करके। भाई बहुत से तो नए भाई ऐसे भी हैं जिनको ये दखनी मिर्च ही नहीं पता कहाँ मिलेगी, तो मेरे भाई पंसारी के जाया करो, पूछ लिया करो उनसे यार, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, आप हमें टेंशन देते रहते हो। तो भाई ये 5ों की 5ों जो हैं पानी में हल कर देना है बढ़िया करके, आपको एक एक करके किस्से लगाना है, सही है। अब लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये पोटली बना ली थी, सही है, इसमें जो चीज़ कम थी वो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चिरौंजी, इसमें चिरौंजी डाल के आपको पोटली बनाना है, फिर से समझा दे रहा हूँ, पोटली बना ली आपने, ये पानी में डाल दी थी, और इसका पानी तो आपका रात का था, तो जो छान लिया था आपने, तो ये एक पानी और ये दूसरा पानी बन गया, ये 2 चीज़ें ऐड हो गई। अब आपको जो बनाना है, क्या बनाना है, हड़ का मैंने बता दिया, अम्बा हल्दी का, दखनी मिर्च का। अब आपका पानी तैयार है, अब फ्रेंड्स आपका पानी जैसे कि तैयार है बिल्कुल देने के लिए। अब आप क्या करेंगे उसमें, हैंड टू हैंड दोस्तों बताशे लेंगे, बताशे यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन में, मैं यहाँ लगा दूंगा इंशाल्लाह। बताशे होते हैं मीठे, शक्कर के होते हैं, चीनी के, तो आप वो बताशे लेंगे, 3 3 बताशे, और वो आप उस पानी में हल करके उसी टाइम एट ए टाइम आप दे देंगे, वो 1 मिनट में दोस्तों हल हो जाता है, बस आप छोड़ेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, वो हल हो जाएगा, शक्कर का होता है। और आप ये पानी दोस्तों दीजिए, कंप्लीट हो गया पानी, और आप फिर मुझे बताइएगा रिज़ल्ट क्या है, बस आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई चीज़ बताइए, ठंडा भी हो जाएगा कबूतर, अच्छा उड़ेगा, परकत से जाएगा, और दोस्तों गोली गांठ चलेगा बिल्कुल ही बहुत तेज़ परकत से इंशाल्लाह, और गट होके जाएगा दोस्तों। अगर उसके बाद अगर आपका कबूतर जैसे फटे, तो आप एक काम कर लीजिएगा, ये किशमिश होती है दोस्तों, किशमिश जो होती है गट करती है कबूतर को, आप किशमिश इसमें डाल लें दोस्तों, मिश्री ना लें इसमें, अपने पास से कोई भी चीज़ ऐसा ना करें कि ना लें कि आप सोचें ला मैं मिश्री डाल लूँ, मीठी होती है वो भी गट करती है दोस्तों कबूतर को, लेकिन मिश्री जो है झल बहुत कर देती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप मिश्री डालें, क्योंकि मिश्री की जगह मैंने क्या डलवा दिया है, बताशे, बताशे का काम लेकिन दोस्तों अलग होता है, और आप खुद ही कहेंगे कि आमद हो गई है, मज़ा आ गया। तो ठीक है दोस्तों,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और नए लोगों सब्सक्राइब कर लें, खेल आते रहेंगे भाई। इसके बाद मटका आएगा, बहुत बढ़िया। आपने अपने कबूतरों का हमारे रिजल्ट तो देख ही लिया, और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कैसा उड़ा है कबूतर। दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, रोज़ आपको डालूंगा वीडियो। बस ये 68 कबूतर थे दोस्तों, जो मेरे 92 निकाले थे मैंने, 90 और 2 92, लेकिन दोस्तों पर गिरा दिए उन लोगों ने तो मैंने उनको रोक लिया। ठीक है, अब 68 68 कबूतर है दोस्तों, 2 और कर दूंगा, 70 करूंगा पूरे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।